हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक है। हम लीनियर इक्वेशन के पार्ट थर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर्स में आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले पार्ट वन और पार्ट टू में हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में डिटेल में बताया है। पहले आपको लीनियर इक्वेशन कोई दिया हुआ है तो उसके आप सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, और कोई भी इक्वेशन दिया है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, दो पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, ये सब हमने पार्ट वन पार्ट टू में डिटेल में बताया है। अब उसी का एप्लीकेशन हम आगे बता रहे हैं, तो पार्ट थ्री देखने से पहले आप पार्ट वन पार्ट टू देख लेंगे तो और आपको अच्छी तरह डिटेल समझ में आएगा। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। आपको ये एप्लीकेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन में जो आपको ये एप्लीकेशन में दिया है उसको फॉर्म करना है। तो पहले हम आपको थोड़ा सा डिटेल बता दें, आप कहीं भी दिल्ली में रहते हैं या किसी सिटी में रहते हैं तो ऑटो में बैठते हैं या टैक्सी में बैठते हैं तो उसमें एक फिक्स चार्ज होता है। फिक्स चार्ज ये होता है कि आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दो फिक्स चार्ज होता है। जैसे दिल्ली में हम ऑटो में बैठते हैं तो 2 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज है। जैसे सपोज कीजिए ये प्लेस ए से प्लेस बी तक जा रहे हैं कहीं आप, ये सपोज कीजिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस आपका है, तो यहाँ से आप यहाँ तक जाते हैं 10 किलोमीटर, तो फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए दिल्ली में 2 किलोमीटर के लिए आपका ₹25 फिक्स चार्ज है। इतना रुपीज़ आपको देना ही है, चाहे आप 1 किलोमीटर पे उतर जाएं चाहे 2 किलोमीटर तक जाएं पूरा। के बाद से यहाँ से ₹8 लगता है आपका पर किलोमीटर, पर किलोमीटर ₹8 लगेगा। तो हमको टैक्सी का फेयर फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका ये फार्मूला होता है, फेयर का फार्मूला जो होता है, फेयर आप निकालोगे तो ये होता है फिक्स चार्ज जो आपका फिक्स्ड है प्लस डिस्टेंस, माइनस डिस्टेंस में से माइनस वो करना है जो आप जो फिक्स चार्ज में जितने किलोमीटर जा रहे हो। तो ये मान लो यहाँ 2 किलोमीटर हम दिल्ली में जाते हैं, 2 × चार्ज पर किलोमीटर जो ये आपका 8 है चार्ज पर किलोमीटर ये, तो ये फेयर हमारा जो आएगा यहाँ पे फिक्स चार्ज आपका कितना है 25 प्लस डिस्टेंस आपका यहाँ हम 10 गए माइनस 2 × 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फेयर आ जाएगा। इससे फार्मूला ये निकलता है कि फेयर हमको निकालना है, तो फेयर हो गया इक्वल टू फिक्स चार्ज हो गया प्लस डिस्टेंस माइनस जो हम किलोमीटर जाते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप यहाँ पे फिक्स चार्ज में इंटू चार्ज पर किलोमीटर आपका यहाँ इंटू आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम बताएंगे आपको, तो यहाँ पे जो आपको दिया है आप जो क्वेश्चन में गिवेन है पहले उसको लिखेंगे। पहले आपको दिया है यहाँ पे फिक्स चार्ज, ये ₹8 आपका दिया हुआ है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 ये फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर ये है आपका ₹8, और चार्ज जो है पर किलोमीटर ये दिया है आपका ₹5। उसके बाद से जो आपको डिस्टेंस दिया है वो दिया है आपको एक्स किलोमीटर, और जो फेयर दिया है वो आपको दिया है ₹y। अभी आपको जो फार्मूला बताया आप फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं, उस पर आ जाएगा क्वेश्चन। ये हो गया फेयर इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज प्लस डिस्टेंस माइनस यहाँ 1 होगा क्योंकि आप जो फिक्स चार्ज है उसमें 1 किलोमीटर जा रहे हैं फर्स्ट किलोमीटर, इंटू चार्ज आपका जो है वो पर किलोमीटर। यहाँ आपका फिक्स चार्ज जो हो गया 8 हो गया, ये फेयर आपका है वो वाई हो गया, प्लस डिस्टेंस जो दिया है वो एक्स दिया है, डिस्टेंस आपको एक्स दिया है, एक्स माइनस 1 इंटू चार्ज पर किलोमीटर आपको दिया है वो 5 दिया है, तो हो जाएगा वाई इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 5x आपका +3। ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। इसको आप चाहो तो जो जनरल फॉर्म होता है उसमें आप भी आप लिख सकते हो 5x आपका ये इधर आ जाएगा माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए। एटलीस्ट मैंने पहले वीडियो में बताया कि कम से कम 2 पॉइंट्स निकालना होता है, आप 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, कम से कम 2 पॉइंट्स में आपको एक लाइन क्या होती है ड्रॉ हो सकती है। तो इसमें हम यहाँ टेबल बना लेते हैं। जैसे अब एक्स की वैल्यू आप 1 लेंगे यहाँ पे तो 5 × 1 + 3, वाई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू सपोज कीजिए हमने 0 ले लिया, एक्स यहाँ 0 तो 5 × 0 ये आपका पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा 3 बचेगा। एक्स की वैल्यू हमने 2 ले लिया यहाँ पे, 5 × 2 = 10 + 3 ये आपका 13 हो गया। तो ये आपका आ गया पॉइंट्स आ गया 0, हमने पहले ये पहले 0 भी ले सकते हैं
फिर वन ले सकते हैं, जैसे चाहे पॉइंट अब ले सकते हैं। तो ये पॉइंट जो आपको आ गया 1, 0, 3 and 2, 13, इस पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। स्केल आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस 10 स्मॉल ब्लॉक, जैसे यहाँ से आप ये काउंट करते हैं ना छोटे छोटे, आपका 10 स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट। अभी लाइन थोड़ी सी और इधर आएगी, आप लोग ठीक से बनाइएगा। आपको पॉइंट्स दिए हैं 0, 3, 1, 8, 2, 30। अब इसको हम प्लॉट करेंगे, तो 0 आपका यहाँ दिया है, तो 0 पर आपका 3 यहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा। उसके बाद दिया है 1, 8, 1 पे आपका पॉइंट यहाँ आएगा 8। उसके बाद दिया आपका 2 पे 13, 2 पे आपका आ जाएगा यहाँ पे 13। ये लाइन आपकी सीधी ऐसे बन जाएगी, आप लोग स्केल से बनाइएगा, इस तरह ये लाइन बन जाएगी आपकी। तो लाइन हो गई y इक्वल टू 5x + 3। अब ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, लाइन की इक्वेशन x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कोई भी लाइन आपका ये ऐसे ग्राफ दिया है, तो x एक्सिस के पैरेलल हमको कोई भी लाइन निकालना है या y एक्सिस के पैरेलल निकालना है। अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन आपकी या तो ऊपर होगी ऐसे, या आपकी लाइन यहाँ पे नीचे होगी ऐसे लाइन होगी। तो ये जितनी डिस्टेंस पे होती है, यहाँ पे डिस्टेंस मान लो ए दिया है, के दिया है, यहाँ हमने ए लेट कर लिया कि ए डिस्टेंस पे है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये डिस्टेंस आप देख रहे हो क्या है, ये वाई है, ऊपर को वाई चलते हैं, इधर को आपको एक्स चलते हैं, तो ये डिस्टेंस आपकी वाई है, तो ये आपका हो जाएगा वाई इक्वल टू ए। तो ये जो लाइन आपकी थी, इस लाइन का इक्वेशन हो गया वाई इक्वल टू ए। उस तरह नीचे जो आपकी लाइन है, मान लो कि यहाँ से हमने डिस्टेंस ले लिया, ए डिस्टेंस हो गया, तो ये आपका ए डिस्टेंस इधर है मान लीजिए, वो उधर ए था, तो इस लाइन का डिस्टेंस हो जाएगा, इस लाइन को ले लेते हैं, ये जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ होगी, यहाँ तक ले लेते हैं, तो इस लाइन को हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस है, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका निगेटिव आ रहा है कोऑर्डिनेट में, डिस्टेंस उसे पॉजिटिव होती है, वैसे हम कोऑर्डिनेट में लेंगे पॉइंट तो माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा इस लाइन की इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू माइनस, इस लाइन की इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू ए। उस तरह आप यहाँ पे लोगे कोई भी लाइन ऐसे, तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब ये पैरेलल टू आपका x एक्सिस थी, अब पैरेलल टू y एक्सिस हो तो आपका ऐसे लाइन आएगी, तो इस लाइन का अब ये डिस्टेंस आपका क्या होता है, x होता है, तो ये होगा x इक्वल टू a, ये डिस्टेंस a है, तो और सेम इधर आपका डिस्टेंस है तो x इक्वल टू माइनस है। तो ये आपका होता है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। ग्राफ पे आपको बनाना हो, जैसे मान लो कि हमको लाइन बनाना है यहाँ पे, तो ये आपकी लाइन जैसे आ रही है यहाँ से, ये लाइन हो गई y एक्सिस के पैरेलल, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा आपको, ये कितने डिस्टेंस पे 1, 2, 3, तो इस लाइन की इक्वेशन कितना एक्स चल रहा है, तो एक्स इक्वल टू आपका हो गया 3। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू 3। अब मान लीजिए कि यहाँ लाइन आ रही है इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये लाइन आ गई आपकी, अब ये लाइन जो है आपकी कितनी है -5 पे आ रही है, तो ये इस लाइन की ये आपका डिस्टेंस एक्स है यहाँ से, ये डिस्टेंस आपकी, तो ये आपका -5 है एक्स एक्सिस पे, तो इस लाइन की इक्वेशन एक्स इक्वल टू -5, या इसको ट्रांसपोज करके एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। उसी तरह आपका एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन थी, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालना, जैसे यहाँ हम निकाल लेते हैं, यहाँ हम लाइन निकाल लेते हैं, ये आ गई लाइन आपकी ऐसे, ये लाइन आपकी हो गई एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अब ये जितनी डिस्टेंस पे है 1, 2, 3, 7 पे है, तो ये कितनी 7 पे वाई एक्सिस पे जा रही, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया आपका। उस तरह लाइन आपकी इधर आ रही है, कोई नीचे को आ रही है यहाँ पे, ये लाइन है आपकी, अब ये क्या है नीचे को आ रही है वाई एक्सिस पे इधर को, और ये पैरेलल किसके है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये लाइन आपकी है, ये हो जाएगी वाई इक्वल टू -8, क्योंकि ये -8 पे है, तो इसको आप इधर ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। इस तरह आप इक्वेशन ऑफ जो लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, अब कोई लाइन आपकी ऐसे दी हुई है, सपोज कीजिए लाइन आपकी ऐसे दी हुई है, ये लाइन आपकी ऐसे दी हुई है, तो ये लाइन आपकी ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस, कोई लाइन आपसे पूछे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप ऐसे निकालेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे लिखा, आप बोले कि नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ना एक्स एक्सिस के पैरेलल ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो कोई भी लाइन आप ओरिजिन से पास कर सकते हैं, ओरिजिन से लाइन पास करते हैं तो इसका इक्वेशन ईजी होता है लिखना, किसी भी लाइन की इक्वेशन, जैसे एक बिल्कुल ये इस तरह जा रही है 45 डिग्री, ये बिल्कुल ये लाइन आपकी यहाँ पे ये 45 डिग्री इधर से इंक्लाइंड है, तो ये जैसे आपका यहाँ बिल्कुल सेंटर से ऐसे लाइन जा रही है, ये लाइन होती है वाई इक्वल टू -x। इसमें आप देखेंगे माइनस एक्स वाई की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू माइनस लेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी, इस तरह भी लाइन आप निकाल सकते हैं ऐसे, ये लाइन होती है वाई इक्वल टू एक्स। इस तरह बहुत सारी लाइन निकाल सकते हैं ओरिजिन से जो पास होती है,
y इक्वल टू एक्स लिया है, y इक्वल टू आप यहाँ पे 2x, y इक्वल टू 3x, ऐसे बहुत सारी लाइन ले सकते हैं, ऐसे ऐसे लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो सकती है लाइन, ये y इक्वल टू 4x, 5x, ऐसे लाइन ले सकते हैं। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू आपको 0 दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया है, ये सारी लाइन आपकी क्या होगी, ओरिजिन से पास, जिसमें कॉन्स्टेंट c जो है, जैसे आपको बताया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें आपको ये c 0 है, c आपका जहाँ पे 0 है, तो जैसे आपका दिया है कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, आपका c के पार्ट ये क्या है, 0, तो ये लाइन आपको कहाँ से पास होगी, ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि c जो होता है इंटरसेप्ट होता है आपका, तो इंटरसेप्ट कहीं नहीं कर रही है, तो लाइन आपकी ओरिजिन से पास होगी। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड आपको टू वेरिएबल। वन वेरिएबल में सिंपल ये जैसे आपका इक्वेशन दिया है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो हम 2x इसको ट्रांसपोज करें, माइनस 9 हो गया, तो x इक्वल टू माइनस 9 बाई 2, तो ये आज आपका हो जाएगा माइनस 4.5, ऐसे समझने के लिए कि आपको कहाँ प्लॉट होगा। तो इसको वन वेरिएबल में हमको प्लॉट करना है, तो सिंपल एक नंबर लाइन जैसे बना लेंगे आपको, तो ये आप देख रहे हैं 4.5 जो होगा वो माइनस में है, तो इस साइड आएगा लेफ्ट में, और ये 4 और 5 के बीच में आएगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया आपका x इक्वल टू माइनस 9 बाई 2, ये हो गया वन वेरिएबल में। टू वेरिएबल का मतलब होता है कि एक्स वाई प्लेन, या उसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, टू वेरिएबल भी बोल सकते हैं, यहाँ एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, या कार्टेशियन प्लेन में भी बोल सकते हैं, चेंज करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। हम इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ है रहा आपका टू वेरिएबल के लिए, सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका था यहाँ पे कि एक्स इक्वल टू माइनस 9 बाई 2, एक्स इक्वल टू माइनस 9 बाई 2 ये आपको बता कि माइनस 4.5, स्केल भी लिख लेना कि एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 10 स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट। आप यहाँ पे क्या दिया है कि एक्स इक्वल टू जो दिया है माइनस 4.5, तो सेम वही ये 4 और 5 भी चाहेगा लाइन, बट ये आपको वहाँ पे क्या था कि वन वेरिएबल में केवल एक पॉइंट था, अब ये पूरी एक क्या होगी, लाइन होगी, ये पूरी लाइन होगी, ये लाइन आपकी होगी एक्स इक्वल टू माइनस 9 बाई 2, या जो आपका दिया हुआ है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, तो ये आपका अब हो गया आपका टू वेरिएबल में हो गया। इफ द वर्क डन बाई ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाई टेकिंग द कॉन्स्टेंट फोर्स 5 यूनिट, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडीज, पहला दिया 2 यूनिट, दूसरा दिया आपका 0 यूनिट। आपका साइंस में भी आता है कि जो वर्क डन होता है वो प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, या वहाँ एस से डिनोट करते हैं हम, तो वर्क डन जो होता है एफ इंटू एस हो जाता है आपका, ये प्रोपोर्शनल आते हैं तो कॉन्स्टेंट आता है वो फोर्स हो जाता है, तो यही आपको यहाँ भी दिया है, तो ये वर्क डन को दिया है वाई एक्सिस के लिए और डिस्टेंस जो दिया है वो एक्स पे दिया है, और फोर्स आपको दिया है ये 5 दिया है, ये फिक्स आपका है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई इक्वल टू क्या हो गया 5x, y इक्वल टू 5x जो आपका आ गया, जो ये कह रहा था कि एक्सप्रेस किया हमने इस इक्वेशन को टू वेरिएबल में, x जो आपको हमने ले लिया डिस्टेंस और y जो हमने ले लिया आपका वर्क डन, x आपका डिस्टेंस हो जाएगा और y जो हो गया आपका वर्क डन हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ में हमको क्या करना है, इसको प्लॉट करना है और ग्राफ के हेल्प से हमको बताना है, तो ग्राफ के पे प्लॉट करने के लिए हम इसका पॉइंट्स निकाल लेंगे। अब x इक्वल टू हम 0 ले लेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5x, तो 5 इंटू 0 आपका ये भी 0 हो गया, x 0 है तो y भी 0 है, x 1 लिया हमने तो y जो आएगा यहाँ पे 5 इंटू 1 ये 5 हो जाएगा आपका, 1 लिया तो ये 5 हो गया, सॉरी यहाँ आएगा 5, ये हमने यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू हम 2 लेंगे यहाँ पे, तो y जो आएगा आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, स्केल यहाँ लिख लेंगे x एंड y एक्सिस 10 स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट, तो इसको हमको करना है, प्लॉट करना है, तो पहले क्या दिया 0 0 0 0 आपका ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, 1 5 1 5 1 से 5 यहाँ आएगा आपका, 2 पे 10 आपका यहाँ आएगा, ड्रॉ कर लेंगे, चाहे आप पॉइंट भी आप लिख सकते हो 0 0, ये आपका 1 5, ये 2 10, ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू 5x। अब इसमें जो पूछ रहा है आपसे कि ग्राफ से आपको बताना है 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स पे आपका ये आपका डिस्टेंस क्या होगा, तो पहला पार्ट इसका दिया है 2 यूनिट जब होगा डिस्टेंस, मतलब x कितना हुआ 2 यूनिट्स, तो आप यहाँ देखेंगे ग्राफ पे
तो टू यूनिट्स जो है, टू यूनिट्स पे कितना है, 10 है, वर्क डन कितना है, 10 यूनिट है. तो टू यूनिट्स पे जो आपका पूछ रहा है कि ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था कि आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इज 2 यूनिट. तो 2 यूनिट एक्स है तो वाई आपका कितना हो गया, 10 यूनिट्स है. मतलब वर्क डन आपका जो होगा वो कितना होगा, 10 यूनिट्स होगा. यहाँ वर्क डन लिख सकते हैं, वर्क डन जो आएगा आपका ये आएगा 10 यूनिट्स. अब ये आपका सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट में जब आपका एक्स दिया है, डिस्टेंस दिया है 0 यूनिट्स, 0 यूनिट्स से ग्राफ पे आप देखेंगे तो आपका एक्स 0 है तो वाई भी क्या है, 0 है. तो यहाँ पे आपका वर्क डन जो आएगा, हमने यहाँ वाई लिया है तो ये आपका 0 आएगा. ये आपका 10 यूनिट आएगा पहले का आंसर, दूसरे का आपका 0 यूनिट आएगा. आशा करता हूँ कि आपको सभी सवाल समझ आए होंगे. आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें. आप चाहे तो कोई भी डाउट फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं. नए वीडियो के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.